उपस्थित महानुभाव और युवा साथियों, मैं सबसे पहले आज के समारोह के लिए भारतीय सेना को हृदय से बधाई देते हुए इसके इस वर्ष के आयोजन के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सेंट्रल कमांड को चुना गया है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और भारतीय सेना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नवयौवन आर्मी फेस्टिवल 2024 के आज के समारोह में यहां पर आकर के मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। ये मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को नजदीक से भारतीय सेना को जानने, उनके शौर्य और पराक्रम को नजदीक से पहचानने का अवसर प्राप्त होगा। यहां पर अभी जो प्रदर्शन हमारे सिख रेजिमेंट से जुड़े हुए इन बहादुर जवानों ने दिखाया है, भारत की प्राचीन युद्ध कला कैसे उस कालखंड में हमारे यहां पहले से ही युवाओं को इसमें पारंगत करके आक्रांताओं का जवाब देने के लिए तैयार किया जाता था। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत की इस प्राचीन युद्ध कला को आज भारतीय सेना ने अपना हिस्सा बना करके न केवल उसे सम्मान दिया बल्कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को भी एक नई प्रेरणा के रूप में पूरे भारतवासियों के सामने रख करके उस सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने का काम किया है। यहां पर सेना के इस प्रदर्शनी को भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से सेना की शक्ति, सेना का पराक्रम और राष्ट्रभक्ति की निष्ठा को हमें नजदीक से जानने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। यह महोत्सव सेना के हथियारों, साजो सामान, कार्यशैली, कार्यकुशलता और उन परंपराओं को जानने का एक अच्छा अवसर है, जो अक्सर जिनसे हम लोग सामान्यतः अनभिज्ञ से रहते हैं। भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव की प्रतीक है। देशवासी इसकी ताकत को जानते हैं, उस पर अटूट विश्वास रखते हैं और जब सेना और आम जनमानस एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो परिणाम कई गुना अधिक लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में अवश्य गौरव की अनुभूति होती है कि उत्तर प्रदेश
वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों और सेवा से निवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करती है। आज हम सब इस बात को जानते हैं कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही सेना के हथियारों और साजो सामान में भी आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की इस परिकल्पना को हम साकार कर सकें, यह अवसर या प्रदर्शनी हमें उसका एक अवसर भी प्रदान करती है। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2018 में जब उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था, उस इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर दो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी, जिनमें से एक तमिलनाडु में और दूसरा देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2020 में प्रदेश की राजधानी में आयोजित हुए डिफेंस एक्सपो के उस भव्य आयोजन में, जिसमें देश और दुनिया ने भारतीय सेना के गौरव को, उसके शौर्य और पराक्रम को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस अवसर पर अनेक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुए हैं, जिनमें लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई, झांसी के डिफेंस कॉरिडोर के रोड में हमें भारत डायनेमिक्स के बड़े कार्यक्रम वहां के लिए स्वीकृत हुए, कानपुर अलीगढ़ के नोट्स में पहले से ही जितनी भूमि हमारे पास आरक्षित थी वे सभी आवंटित होकर के प्रोडक्शन के लिए भी अपने आप को तैयार कर चुकी है। यानी हम लोग आज सेना के साजो सामान और सेना के हथियारों की आपूर्ति में भी भारत आज आत्मनिर्भरता का लक्ष्य न केवल प्राप्त किया है बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी आज हम उस सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। यह एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भारतीय सेना को निरंतर आवश्यकता के अनुरूप तैयार करने की जो वर्तमान नए भारत की रणनीति है वह सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि सशक्त सेना ही एक सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकती है। पूरे देशवासियों की भावनाएं अपने सेना के साथ सदैव जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। यही नहीं, मार्च 19 में अमेठी में भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड को भी प्रधानमंत्री जी ने
जहां देश को समर्पित किया, वहीं साथ ही साथ एचईएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि इकाइयां भी उत्तर प्रदेश में इस दृष्टि से सेना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। योग्य और दक्ष जवान भारतीय सेना को प्राप्त हो, इसके लिए भी हम सबको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने अपना पहला सैनिक स्कूल देश को दिया था 1960 में, और उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल को यह गौरव प्राप्त है कि सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र लखनऊ सैनिक स्कूल के ही एक छात्र कैप्टन मनोज पांडे को 1999 में कारगिल युद्ध में अपने प्रथम शौर्य और पराक्रम के लिए भारतीय सेना ने प्रदान किया, और प्रदेश सरकार ने अपने इस पहले सैनिक स्कूल का नामकरण भी कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर ही रख करके अपने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए सेना के को जानने और सेना के साथ सम्मान के साथ अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी प्रदान किया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम राज्य सरकार की ओर से वर्तमान में पांचवें नए सैनिक स्कूल के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे कल ही गोरखपुर में निर्माणाधीन सैनिक स्कूल को निरीक्षण करने के लिए भी जाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के जिस अभियान को अपने हाथों में लिया है, उनमें से उत्तर प्रदेश 16 सैनिक स्कूलों के प्रस्ताव को पहले ही भेज चुका है। अभी मैं 3 दिन पहले वृंदावन में गया था, देश का पहला बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का शुभारंभ माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ में मैंने वृंदावन की धरती पर संवित गुरुकुलम में प्रारंभ किया है। यानी सेना में जिसकी शुरुआत लखनऊ से हुई थी कि बालक के साथ साथ बालिकाओं को भी हम लोग इसमें प्रशिक्षित करेंगे, हम लोगों ने लखनऊ सैनिक स्कूल से इसकी शुरुआत की थी, और आज देश का पहला बालिकाओं का सैनिक स्कूल भी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप वीर सपूतों के प्रशिक्षण और उनके शिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहले की जा चुकी है, और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अपना एक परिसर लखनऊ में भी खोल चुकी है, जिसे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में हमने अस्थायी कैंपस प्रदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर की स्थापना सुरक्षा बलों में जाने के इच्छुक हमारे युवाओं को इस क्षेत्र में सुरक्षा क्षेत्र के कौशल वृद्धि में एक नए युग की शुरुआत करेगा, जो हमारे युवाओं के लिए सेना में एक शानदार करियर को आगे बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आज के इस अवसर पर जब हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, सेना में शामिल होने के लिए जो तमाम प्रकार के नए कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारतीय सेना के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सेना के सेना दिवस के अवसर पर आगामी 15 जनवरी को जो कार्यक्रम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है, राज्य सरकार ने पहले ही इसमें अपना पूरा सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई है, और मैं एक बार फिर से भारतीय सेना को अपने
इस सफलतम आयोजन के लिए अग्रिम बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी बहादुर जवानों के साथ के लिए आश्वस्त करता हूं कि पूरा भारत उनके साथ में है, उनके शौर्य और पराक्रम की गाथा का स्मरण करता है और उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरी जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने का इच्छुक होगा। आज के इस अवसर पर मैं इस प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर नाउ योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी आगत अतिथियों का भी हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।